केवल अमावस वाला दिन जो एक ऐसा चला कि लगा कि नवरात्रि, उसका महंगाई की मार बहुत ज्यादा है। हाँ। नारियल आपका जो नारियल 15-20 रुपए में बिकता था, आज के डेट में 30 रुपए में बिक रहा है नारियल। पिछले जो 5-10 साल से हम देख रहे थे कि मार्केट में 15 दिन में एक बार हम रेट रिवाइज करते थे, आज सोने की तरह हमको हर 2 दिन में रेट रिवाइज करना। अच्छा। दिन पे दिन जो ग्राफ है सेल का, वो धीरे 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 नीचे जा रहा है। मेरा को तो 20 साल हो गए हैं, 2005 से बैठा हूँ मैं, कोई नहीं था, तो ये मैं देख रहा हूँ ग्राफ ऊपर जा रहा था, लेकिन पिछले कोरोना काल के बाद से देख रहे कि ग्राफ नीचे आ रहा है। जो आदमी 500 रुपये का खर्च करता था, वो आज 100-200 रुपये में अपनी पूजन सामग्री ले रहा है। नमस्कार, न्यूज 18 लोकल देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अनुराग पांडे और इस समय मैं भोपाल के लैंडमार्क में खड़ा हूँ। काफ़ी बिजी स्ट्रीट है और कह सके तो सारी चीज़ें ही यहाँ पे मिलती हैं। नवरात्रि का अवसर चल रहा है, आज छठवीं थी और उसको लेके हम बात करेंगे यहाँ के दुकानदारों से कि कैसी सेल हो रही है, नवरात्रि का क्या जायका लग रहा है बाजारों में। देखिए, रंग बिरंगे फूल रखे हैं मेरे पीछे, गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं और गेंदे वगैरह सब कुछ रखे हैं, माँ की चुनरियाँ हैं, सबको माँ का निशान है। तो आइए जो दुकानदार है उनसे बात करते, जानेंगे कि माहौल क्या है बाजार का। नवरात्रि है, दिवाली भी आने वाली इसी महीने, 10-20 दिन में दिवाली भी आएगी, रौनक कैसी है बाजार की। जी सर, क्या नाम लिखते हैं? मैं राम कुमार दात्रे लिखता हूँ, श्री अथर पूजा सामग्री के नाम से मेरी ये शॉप है जी। दो शॉप मेरी और है, एक बरखेड़ा में अथर पूजा, एक इंद्रपुरी में अथर पूजा है। और हर वर्ष के अनुसार हम लोग सेल जो करते हैं या जो माहौल रहता है, इस साल हमें माहौल नहीं दिखा। अच्छा। इसलिए कि कहीं ना कहीं महंगाई का मार रही है। केवल अमावस वाला दिन जो एक ऐसा चला कि लगा कि नवरात्रि है, उसके बाद से जिस दिन बैठती है उस दिन भी और आज तक के भी ऐसा लग नहीं रहा है कि नवरात्रि चल रही है। बहुत वीक ही रही, बहुत वीक रही है, महंगाई की मार बहुत ज्यादा है। हाँ। नारियल आपका जो नारियल 15-20 रुपए में बिकता था, आज के डेट में 30 रुपए में बिक रहा है नारियल। एक है खोपरा गोला से लेकर सब चीजें जो आइटम है, हर बार कपूर से लेकर सब तेज है, तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार है लोगों के ऊपर, कहीं ना कहीं वो है। जो आदमी 500 रुपए का खर्च करता था, वो आज 100-200 रुपए में अपनी पूजन सामग्री ले रहा है। सीमित होता चला जा रहा है। इस बार ना ज्यादा पंडाल दिखे, ना ज्यादा रौनक दिख रही है, ना ज्यादा चिल्ला चोट दिख रही है, कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि इस समय नवरात्रि चल रही और दिवाली आने वाली, ऐसा लग नहीं रहा। दिन पे दिन जो ग्राफ है सेल का, वो धीरे 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 नीचे जा रहा है। तो कहने का ये समझ में आ रहा है कि लोग पहले अपने घर का खर्चा, घर का ये देख रहे हैं, उसके बाद पूजन पाठ को मायने दे रहे हैं। अच्छा। और हम तो पिछले, मेरा को तो 20 साल हो गए हैं, 2005 से बैठा हूँ मैं, कोई नहीं था, तो ये मैं देख रहा हूँ ग्राफ ऊपर जा रहा था, लेकिन पिछले कोरोना काल के बाद से देख रहे कि ग्राफ नीचे आ रहा है। कोरोना के टाइम से ग्राफ नीचे आ रहा है और हाँ, भट्टी पे भारी पड़ रहा है। और ऐसा लगा था एक समय कि हो सकता है बारिश की वजह से लोग डर रहे हैं कि बारिश की वजह से ये करेंगे, लेकिन बारिश की वजह से नहीं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं, मतलब मान के चले 90% अपन 75% तक मान के चले कि महंगाई का असर है। महंगाई का इस पर बहुत ज्यादा तकलीफ है और बहुत ज्यादा लोग बाग सीमित। क्या लगता है दिवाली आने वाली है, रिकवर हो पाएगा बाजार? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा कि हो पाएगा, जिस हिसाब से भी ये हुआ है और जिस हिसाब से धंधे चले हैं, मेरे को नहीं लगता कि, जब हम 2 टाइम का खाना एक टाइम खा नहीं सकते, तो ये साल भर का सीजन है, 8-10 दिन का ये मेन सीजन, सबसे बड़ा सीजन है हमारा, गणेश जी हो रही है, दीपावली तो आपकी 2 दिन के करवा चौथ आएगी, 2 दिन का आपका ये सीजन आएगा, तो कहाँ से कवर होगा? जो लॉस अभी तो 2-2, 4-4 लाख रुपए का हो रही है, तो वहाँ के 50 हजार कवर करोगे, इससे ज्यादा आप नहीं कवर कर सकते। अच्छा। तो महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बात करें आपकी दुकान में सबसे ज्यादा कौन सी चीजें महंगी हुई है इस बार? इस बार हमारे यहाँ नारियल का फर्क सबसे ज्यादा पड़ा है, खोपरा गोला पड़ा है, हवन सामग्री है, जड़ियाँ बूटी बड़ी है, कपड़ा बड़ा है, कौन सी चीज ऐसी जो घटी है? सब ऊपर गई, सब ऊपर बड़ी है। पिछले हमें पिछले जो 5-10 साल से हम देख रहे थे कि मार्केट में 15 दिन में एक बार हम रेट रिवाइज करते थे, आज सोने की तरह हमको हर 2 दिन में रेट रिवाइज करना पड़ा। पहले 15, अब डेली कर रहे हैं? अब तो डेली करना पड़ रहा है और डेली एक नया रेट मिल रहा है। अच्छा। हाँ, अब वो काम नहीं रहा कि आप कर लो, पता पड़ा आपको, पता ही नहीं रेट पता पड़ा, जो माल आपका 3,000 का था वो पता पड़ा, आपने 3,000 करके बेच दिया, आज पता पड़ा वो 4,500 का है। अच्छा। तो इस प्रकार का मार्केट चल रहा है, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हो रहा है। फिर खैर, हम तो ये भी मानते हैं कि दुकानें बढ़ रही है, छोटे छोटे दुकानदार भी सामान रख रहे हैं, कंपटीशन आया है, आता रहेगा, लेकिन क्या रहता है, छोटे छोटे दुकानदार आपके सिर्फ सीजन ही फर्क करते हैं, लेकिन जो हमेशा बैठने वाले हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो महंगाई का है, वो तो छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, सब पे पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये चीज देखने में 100% आ रही है कि मार्केट बहुत महंगा होता जा रहा है। आज पहले 10 रुपए की चुनरी मिलती थी, आज 15-20 रुपए से कम चुनरी है ही नहीं मार्केट। अच्छा, छोटी से छोटी। पहले हम 5-10 रुपए में बेचते थे चुनरियां,
अभी गिरी से गिरी हालत में 15-20 रुपए से स्टार्ट है। ये हमारे यहाँ थोक वालों के, और जो रिटेलर है तो वही वो 10 रुपए की चुनरी 20 और 30 रुपए में निकालना है, तो फर्क पड़ता। दूसरा क्या रहता, कुछ छोटे दुकानदार क्या करते हैं, छोटे छोटे दुकानदार वो लगा के बैठ जाते हैं, पता पड़ा ना मार्केट में ग्राहक आया, पता पड़ा जो चीज हमारे 10 की है उसने वहाँ 30 में बता दी, तो बेचारा ने देखा 30 का ही, तो वो वहीं देख के लगता है अरे ये तो मार्केट महंगा है और ज्यादा। हाँ, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है ग्राहकी पे। लोकल 18 से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आप। देखिए, ये इस बार दुकानदारों का कहना है कि मार्केट बहुत फीका है और दिवाली भी इस मार्केट को रिकवर नहीं करा पाएगी, जैसी बाजार चल रहा है और जैसे तेजी से महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों का दाम बढ़ रहा है। तो बने रहिए ऐसी और जमीनी पड़ताल के लिए मेरे यानी अनुराग के साथ। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 लोकल मध्य प्रदेश।